ओम शांति। आज है 10 मार्च 2021। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है। कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। प्रश्न: किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? उत्तर: जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे बाप ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना निरअहंकारी है ऐसे निरअहंकारी बनो। कोई भी अहंकार न हो। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, बाप समान निरअहंकारी बनना है। किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है। ऐसा कोई पाप कर्म न हो जिसकी सजा खानी पड़े। आपस में शीरखंड होकर रहना है। दूसरा, एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। वरदान: दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व की देख रेख करने वाले मास्टर रचयिता भव। जिसकी बुद्धि जितनी दिव्य है, दिव्यता के आधार पर उतनी स्पीड तेज है, तो दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा 1 सेकंड में स्पष्ट रूप से विश्व परिक्रमा कर सर्व आत्माओं की देख रेख करो, उन्हें संतुष्ट करो। जितना आप चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे, उतना चारों ओर का आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। इसके लिए स्वयं कल्याणी के साथ विश्व कल्याणी मास्टर रचता बनो। स्लोगन: मास्टर दाता बन अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है। ओम शांति।